गाइस आज भी मैं मैगी बना रही हूँ देखो। और अभी आज ना मटर, कल सोमवार था बाजार गए थे तो मटर और गाजर सब लेके आए हैं, तो अभी मैं बना रही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आप सभी का फिर से मेरे और एक नई वीडियो में स्वागत है। अभी टाइम हो रहा है 10:30 और आज है मंगलवार का दिन, कल था सोमवार। और कल में दिन में हाँ एक वीडियो बनाई गाइस। क्या होता है ना मेरा, मतलब जिस दिन वीडियो बनाती हूँ ना उस दिन, और मतलब रात को ही छोड़ पाती हूँ। जानते हैं गाइस, एक वीडियो छोड़ने से ना मेरा पूरा मोबाइल का डाटा पूरा ख़त्म हो जाता है। और हमारे घर में टीवी भी नहीं है, कुछ नहीं, तो आलोक जब आता है स्कूल से तो थोड़ा मोबाइल देखने, मतलब थोड़ी देर देखने के लिए उसको मन होता है। और अगर देखता है तो जिस दिन अगर कुछ थोड़ा ज़्यादा मोबाइल वोबाइल देख लेते हैं ना, तो उस दिन डाटा ख़त्म हो जाता है और मैं वीडियो जो भी बनाती हूँ वो फिर मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए कभी कभी मेरा वीडियो जिस दिन बनाती हूँ वो वाला वीडियो थोड़ा लेट में आता है, और ऐसे ही होता है गाइस। तो अभी मैं मैगी जो बना रही हूँ, उधर बन रहा है मेरा मैगी, एक ही मैगी था और कुछ नहीं है। और मैं सूजी खाने वाली थी लेकिन चीनी ख़त्म हो गया, आज सब मार्केटिंग करूँगी, चीनी उनी सब लाऊँगी, तो आज इसीलिए मैं बोली एक ही मैगी था। फिर गाजर भी है, मटर भी है, चलो थोड़ा उसी मैगी को, मतलब यूपी जो होता है उसको मैं बना लेती हूँ। और वो बन रहा है उधर, तो मैं और एक चीज़ आप सबको दिखा देती हूँ, देखो। तो गाइस ये देखो, इतना सारा मिठाई मिला है, जहाँ शादी हो रहा था ना वहाँ पे पूरा इतना सारा मिठाई मिला है। ये भी सब मिठाई है, इतना सारा मिठाई मिल गया है। तो अभी मैं तो खा नहीं पाती हूँ, मिठाई पसंद नहीं है गाइस, लेकिन ये खाते हैं उनको बहुत पसंद है। रोज थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, और मैं तो रखा रहता है, मैं उतना खाती नहीं हूँ, मेरे को मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरे को नमकीन बहुत पसंद है, नमक वाला चीज़ जितना भी होता है सब मेरे को बहुत पसंद है। और मैं मिठाई ज़्यादा नहीं खाती हूँ, खाऊंगी तो बस एक दो ऐसे खाऊंगी, नहीं तो नहीं। खीर लेकिन खाती हूँ, खीर खाती हूँ लेकिन वो भी उतना बहुत मीठा रहता है तो थोड़ा सा खाती हूँ, और ज़्यादा नॉर्मल रहता है तो बहुत खाती हूँ। तो अभी खाऊंगी गाइस, बन रहा है। और फिर आज ना मेरा खाना सब्जी नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा मैं खा लेने के बाद बताऊँगी, ठीक है? तो गाइस ये पक चुका है देखो। अभी ग्रीन मटर का सीजन आ गया है, मैं तो बहुत खाती हूँ, और बहुत सारा जब भी कुछ भी बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा सा ग्रीन मटर मिलाती हूँ। तो इतना ही गाइस, मैं इसे में ही उतारूँगी इसको, और ज़्यादा नहीं पकाऊँ, ज़्यादा नहीं पानी नहीं घटाऊँगी, पानी रहने से ही मेरे को अच्छा लगता है। बहुत गर्म है गाइस, खा लेती हूँ। नमक थोड़ा कम है। और आज एक लंग आज मैं ना क्या की हूँ, एक हरी मिर्च था उसको मैं छोटा छोटा काट के लगाई दी हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा हल्का झाल लग रहा है। गाइस अभी टाइम हो रहा है 11:30 होने वाला है गाइस अभी टाइम, और मैं जा रही हूँ थोड़ा, वो जो हम लोग का सिलेंडर गैस नहीं है ना हम लोग के पास खाना बनाने के लिए, वो जिन जो है ना घर पे से हम लोग का गैस सिलेंडर, वो ना जिनका घर है, घर मालिक उनका है, तो वो लोग फिर ले जाएंगे अभी। उनका उनके पास दो था तो मेरे हम बोले कि एक आप लोग रसोई करते रहो, फिर मतलब वो लोग का एक में हो रहा था लेकिन अभी उनका भी प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए वो बोले कि नहीं और ये वाला ले जाएंगे। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ पूछने के लिए कि जहाँ हम यहाँ पे एचपी गैस
ऑफिस कि कितना पड़ता है, कितना क्या, सब पूछ पाछ के आऊँगी और फिर हम लोग भी अपने लिए एक नया वाला सिलेंडर ले लेंगे, सिलेंडर चूल्हा पूरा सब कुछ ले के जाएंगे। देखो गाइस मैं जा रही हूँ और ये यहाँ का हम लोग का यहाँ घर के सामने सरकारी हॉस्पिटल, देखो ये हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर इलाज होता है, डॉक्टर बैठते हैं और फ्री में इलाज होता है यहाँ पे। और वही पास में ही है हम लोग का गैस पाइप, सॉरी गैस पाइप बोलते, गैस सिलेंडर जो लाने वाली ऑफिस जो है ना वो सामने में है, ज़्यादा दूर नहीं है। और एक है इंडियन का उधर कोयल नगर में, तो मैं पहले यहाँ पूछ लेती हूँ कितना क्या बोल रहा है, नहीं तो फिर तो वहाँ जाएंगे, सब एक ही होगा लेकिन देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। ये है गाइस हम लोग का HP गैस ऑफिस, तो यहाँ पे मैं जाके पहले पूछ लेती हूँ और उसके बाद फिर इंडियन में भी जाऊँगी, ठीक है। गाइस मैं ना उन पूछी और वो लोग बोले कि 6280, हाँ 6280 पड़ जाएगा एक से, मतलब सिंगल का, और डबल लेंगे तो 9000 कितना बोला, तो सिंगल ही लेना है अभी तो हम लोग को, डबल नहीं लेना है, तो 6280 रुपये पड़ेगा सिलेंडर का। तो फिर मैं अभी जा रही हूँ इंडियन गैस में पूछने के लिए, तो फिर वहाँ क्या बोल रहे हैं तो कौन सा लेंगे देखते हैं, सोच के फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। तो इधर से ही जा रही हूँ, जैसे पूरे कचरा यहाँ पे फेंक देते हैं सब जगह जगह, तो मैं इधर से ही जा रही हूँ और फिर उधर से दोबारा नहीं गई, इधर से तो सीधा कोयल नगर पड़ जाएगा। ये वाला गली है ना, नीचे वाला गली मालूम नहीं, नहीं नहीं नीचे वाला गली है, और एक गली यहाँ पूरा गली के अंदर है मालूम नहीं चलता है, शायद लग रहा है ये वाला गली होगा, वो वाला छूट गया पता नहीं जान मालूम नहीं चल रहा है। गाइस और नीचे है भूल गई हूँ, ये गली छोड़ के और एक गली है, और यहाँ ना इंडियन वाला यहाँ पूरा सामने, उधर भी वहाँ पे अभी जब जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ के लिए वहाँ पूरा सामने है, और यहाँ डी ब्लॉक में रहते थे तो डी ब्लॉक के लिए ये पूरा सामने है। लेकिन HP गैस में क्या होता है ना, गाड़ी आता है फिर आप खुद भी जाके ला सकते हो वहाँ पे जब ख़त्म हो जाएगा तो, लेकिन यहाँ पे खुद आके नहीं ले सकते, वो खुद वो गाड़ी घर लेके वो लोग देंगे। तो ये वाला गली है शायद गाइस, चलो चलते हैं। ये वाली का, ये वाला गली का वो देखो ये ग्रीन, ये वाला येलो घर दिख रहा है, उसका बगल वाला ऑफिस है वहाँ पे। ये है ऑफिस, तो गाइस मैं यहाँ पे भी पूछी, और यहाँ पे ना हम लोग का अभी नया नया गए हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ का एड्रेस प्रूफ हम लोग अभी तक चेंज नहीं कराए हैं आधार कार्ड में, तो इसीलिए यहाँ पे
नहीं मिलेगा। और यहाँ 7067 इतना दाम है, वन मतलब सिंगल का। तो देखते हैं क्या होता है, कहाँ से लेते हैं, क्या करते हैं। और एड्रेस चेंज कराना पड़ेगा, एड्रेस चेंज अभी तक नहीं कराए हैं। मतलब बैंक पासबुक में अगर एड्रेस चेंज होगा तो जाके होगा। ठीक है, जा रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। जा रही हूँ घर। गाइस अभी पूरा थक गई हूँ, आज घूम रही हूँ। 11:30 बजे घर से निकली थी, जो अभी आ रही हूँ। खाना वाना भी नहीं खाई, कुछ नहीं। सुबह जो थोड़ा सा मैगी खाई थी और वो मिठाई सब था वहाँ से थोड़ा सा खाई थी, और कुछ नहीं खाई थी। ये बादाम लेके आई हूँ अभी, देखो बादाम पकौड़ा। तो गाइस बैंक गई, बैंक में फिर पासबुक का भी एड्रेस, मतलब मेरा गांव का एड्रेस है ना, हम लोग तो अभी यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ का एड्रेस चेंज कराने के लिए फिर वहाँ गई, फिर वहाँ से फॉर्म ली, फिर फ़ोटो उठाई, फिर इलेक्ट्रिक बिल के लिए बात कर, इलेक्ट्रिक बिल मैन हुआ यहाँ का, हम लोग का जो घर मालिक है उनका हम लोग इलेक्ट्रिक तो हम लोग भर रहे हैं, लेकिन नाम तो उनका है, बिल तो उनके नाम से आता है, तो उनका इलेक्ट्रिक बिल का जेरोक्स भी बोले हैं, तो उनको फ़ोन की, नहीं तो आज ही काम बन जाता। वो फ़ोन नहीं है उनका, तो क्या बोलूँ यार, फ़ोन नहीं लग रहा है उनको, मतलब फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रहे हैं, वो कहाँ पे हैं पता नहीं। तो फिर शाम को आएंगे, तो फिर शाम को फिर लेंगे फिर उनसे और कराएंगे क्या जो होगा। मैं थक गई और अभी पानी पी रही हूँ, बहुत प्यास लग, कल भी पानी नहीं पी थी दिन भर में, और अभी जाके मैं सुबह थोड़ा पानी पी थी और अभी पानी पी रही हूँ। मैं पानी ज़्यादा नहीं पीती हूँ गाइस, क्या मेरे को, मेरा यही एक प्रॉब्लम है कि मैं पानी ज़्यादा नहीं पीती हूँ, इसीलिए पेट का प्रॉब्लम होता है मेरा हमेशा। तो गाइस खाना उना तो मेरा, मैं कल ना गाइस क्या हुआ, भात जो बनाई थी कल दिन, मतलब कल दिन में बनाई थी, तो आलोक भी स्कूल जाता है तो आलोक स्कूल में खाना खाता है और आता है तो शाम को थोड़ा सा खाता है 4 बजे, और सुबह तो रात का भात बचता है, या फिर मैं उसके लिए कुछ अगर नाश्ता उस्ता रहता है तो वो खा के चला जाता है। तो कल क्या हुआ ना, कल तो मैं नहीं खाती हूँ, कल सोमवार में भात नहीं खाती हूँ, तो कल का भात पूरा बच गया था। शाम को थोड़ा थोड़ा ये लोग खाए, आलोक भी खाया और मैं तो खाई नहीं। फिर आज सुबह क्या हुआ ना, आज सुबह ये टिफ़िन लेके गए, तो मैं बोली कि नहीं बासी जो खाना होता है उसको फिर क्यों लेके जाएंगे बेकार में, थोड़ा सा भात मैं 2 डब्बा जैसे उनके लिए भात सुबह बनाई और गरम गरम खा के भी चले गए। और फिर ऊपर से थोड़ा गैस जला लेती हूँ गाइस, पटल भुजिया और साग था उनके लिए दे दी टिफ़िन, और मेरे लिए अभी वही भात जो कल बच गया था उसको अभी गर्म करूँगी और मैं खाऊँगी। क्या करूँ, अभी दाल को थोड़ा गर्म कर रही हूँ गाइस, और मेरे ड्रेस व्रेस चेंज कर लेती हूँ और फिर मैं खाना खाऊँगी। तो गाइस ये देखो, मैं ये भात और ये साग भुजिया और ये दाल रात का था, और ये बांस का करडी है, उसको मैं लहसुन और हरी मिर्च और नमक का थोड़ा सा सरसों का तेल देके उसको मैं अभी मस्त से चटनी जैसे बनाऊंगी और खाऊंगी। और ये इतना ही आज मेरे खाने का, बस इतना ही। ये सुनसुनिया साग, डांड सुनसुनिया बोलते हैं इसको, कल मार्केट से लेके आए थे, और भात में ना गरम गरम भाप निकल रहा है। तो गाइस मैं खाना उना खा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप सबसे। गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम का, 4 बज रहा है अभी 4, और मैं देखो साफ उफ कर ली, झाड़ू उड़ू लगा ली हूँ, शाम का जो झाड़ू लगाना होता है वो सब मैं कर चुकी हूँ, और बर्तन धोना है खाली बाकी। तो मैं ये जो कल साग लाए थे नहीं, भतुआ हम लोग इसको भतुआ साग कहते हैं इधर, तो इसको मैं अभी चुन के थोड़ा सफा उफा कर लेती हूँ और इसको धो धा के पूरा काट कूट के सब रख दूँगी, सुबह खाली बनाना होगा क्योंकि सुबह टाइम नहीं होगा ना,
इसीलिए अभी ही करके सब रख दूंगी, फिर ये लेके जाएंगे, नहीं तो फिर सुबह टाइम नहीं होगा। इससे ही तो यहाँ पे बाल्टी है, इसमें रखूंगी और इसमें पानी में डुबा के 2-3 बार इसको धो के फिर साफ कर दूंगी। गाइस अभी टाइम हो रहा है रात का 8:30 बज रहा है। सब्जी बना रही हूँ, पपैया, हम नहीं हो पपीता ना, पपैया क्या कहते हैं तो इसका मैं अभी बना दूंगी। और भात भी है, थोड़ा सा बच गया है भात, तो उसी को सब खाएंगे। तो गाइस आज है बुधवार का दिन है गाइस, और अभी टाइम हो रहा है दिन का 11, और अभी मैं चाय नाश्ता कर रही हूँ। तो रात को रोटी बनाई थी 2 भात थोड़ा सा था, और अभी भी थोड़ा आटा गूंद के रखी थी, वाला रोटी को भी अभी 2 ऐसे बनाई 2-3, और रात का भी था, तो रात का भी मैं अभी गर्म करके निकाली हूँ, मेरे लिए नाश्ता कर रही हूँ गाइस। और कल रात को क्या हुआ ना, वो आए फिर लेट से, मतलब लेट हो जाता है काम से आते आते, और आते आते हम लोग का कितना, वो आए नहीं साथ में आए, फिर उसके बाद में सब्जी बनाई, सब्जी बना लेने के बाद फिर रोटी बनाई, ऐसे ऐसे करके फिर टाइम हो गया 9 बज गया। आज जल्दी खाना खा के सोना होता है, इसीलिए फिर और वीडियो भी नहीं बनाई। खाना वाना खा के बर्तन उर्तन साफ उफ करो, फिर जानते हैं आप लोग लेडीज़ का काम होता है सब कुछ करना, तो वो सब की इसीलिए फिर और वीडियो रात को नहीं बना पाई, वीडियो का एंड भी नहीं कर पाई। और ये मैं अभी खा रही हूँ। घर मेन हुआ ना, क्या होता है कि ऐसे पार्क का चले जाते हैं काम करने, इसीलिए हम लोग का इधर लेट हो जाता है सुबह, नहीं तो सुबह से आज सब काम खत्म हो जाता। और जानते हैं आजकल मैं 2 हो गया, कल भी सुबह जल्दी खाना बनाई, 5 उठ के ही खाना वाना बना रहे हैं आजकल, और दाल उल नहीं बना रही हूँ, दाल बनाने से लेट होता है उनको। टमाटर एक पोड़ा टमाटर और हरी मिर्ची दे देती हूँ, और फिर जो आज साग बनाई बथुआ साग, कल जो धो धा के रखी थी वो, और जो रात को पपीता का सब्जी बनाई थी वो, उसी को गर्म करके उनको भेजी टिफिन, और टमाटर और वो साग को, और फिर मेरे लिए थोड़ा सा है तो वही सब खाएंगे, और भात फिर सुबह बनाई, इसीलिए जल्दी करंट भी चला गया। तो गाइस मैं खा लेती हूँ, थोड़ा बहुत भूख लग रहा है, साग के साथ रोटी खाना बहुत अच्छा लगता है, बतुआ साग बतुआ। तो गाइस अभी टाइम 11:30 हो गया, नाश्ता उस्ता मैं कर ली, और चाय बहुत पीने का मन था आज, पता नहीं क्या हुआ आज मेरे को बहुत चाय पीने का मन किया। दो चाय नहीं तो नहीं पीती हूँ, गुड़ वाला चाय बना के पीती थी, लेकिन आज मेरे को लाल ऐसे चीनी वाला चाय पीने का इच्छा हुआ, तो मैं फिर चाय बना के पी, और नाश्ता भी मेरा ख़त्म हो गया, अभी 11:30 होने वाला है। तो गाइस मेरा ये वीडियो में अभी आज का मेरा ये वीडियो मैं यहीं पे रखती हूँ, और फिर मिलती हूँ और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और अगर अच्छा लग गए मेरा ये वीडियो तो एक लाइक कर देना, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, और कोई नया देख रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।